होली पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह की ओर से सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्व और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों और चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा शहरों में नाके भी लगाए गए हैं। एसपी ने कहा कि होली रंगों का यह अनूठा भारतीय त्यौहार है जो एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। होली का त्यौहार लोगों के जीवन में रंग भरने के साथ साथ सभी को समाज में सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, होली के लिए आज और कल के लिए माकूल व्यवस्था लगाई गई है। हमने अपना डिप्लॉयमेंट आदेश पहले ही निकाल दिया। हर जगह पर जहाँ पर होली काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी आनी रहे। सर, पुष्कर में कपड़ा फाड़ होली है। देखिए, कपड़ा फाड़ होली पिछले साल ही बंद करा दी गई थी। कपड़ा फाड़ होली जो है वो वैधानिक नहीं है। ऐसी कोई भी होली जिसमें कि लोगों के कपड़े फाड़ने की बात की जाती है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, डीजे भी प्रॉब्लम? डीजे से बचता है? देखिए, डीजे में जो गाड़ियों पर मॉडिफाई करके बनाए गए हैं डीजे वो इलीगल हैं। बाकी व्यक्ति ढोल बजाए, बैंड ले जाए, बैंड बजाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर भी लगा के बजा सकता है व्यक्ति, लेकिन जो गाड़ियों पर गाड़ी को मॉडिफाई करके बनाया गया डीजे है वो इलीगल है। एमबी एक्ट में बकायदा प्रावधान है कि कोई भी अपनी गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकता है। और जो उसमें आवाज़ होती है वो आप सबने महसूस किया होगा, बहुत दूर तक जाती है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उस तरह के जो वाहन हैं डीजे वाले वाहन वो इलीगल हैं, उन्हें हम नहीं चलने देंगे। होली को लेकर कोई सुरक्षा जाब्ता अलग से? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर होली होती है वहाँ पर हमने अलग से जाब्ता लगाया है, अलग से डिप्लॉयमेंट किया है, आदमी भेजे हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग की जा सके।